अस्सलाम वालेकुम, आई एम काशिम महमूद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तलीम 24। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। आज के लेक्चर के अंदर हमने डाटा ट्रांसमिशन के जो फॉर्म्स हैं इनके बारे में जानना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा ताकि आपका डाटा ट्रांसमिशन का जो कंसेप्ट है 100% वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल, कि सिग्नल होता क्या है। बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रांसमीटर जो हमारे ट्रांसमीटर क्या करता है, हमारे मैसेज को इनकोड करता है सिग्नल की फॉर्म के अंदर, जो सिग्नल कैरी किया जाता है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वर्ड्स है हमारे पास आई एम पाकिस्तानी, तो ये ऐसे तो जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो माइट बी द मैसेज स्पोकन इन टू अ टेलीफोन। ये जो मैसेज हमने टेलीफोन के ऊपर बोला, टेलीफोन ट्रांसमीटर क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा दिस साउंड्स इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल्स। मतलब जो बोला मैंने वर्ड्स आई एम पाकिस्तानी, तो वो क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा इस साउंड को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर, जिसे हम सिग्नल का नाम बोल देते हैं। दिस सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीविंग टेलीफोन बाय वायर्स। वायर्स के थ्रू वो सिग्नल क्या होगा, रिसीविंग साइड पर रिसीव होगा। At the receiver, it is converted into a sound. तो वहाँ पर क्या होगा, receiver side पर इसे reconvert कर दिया जाएगा उस form के अंदर जो उसका original message था। मतलब यह यहाँ पर कि ये जो signals हैं ना, ये मुख्तलिफ form के हो सकते हैं, कुछ continuous भी हो सकते हैं और कुछ discrete भी हो सकते हैं, तो इनके बारे में आज हमने पढ़ना है। सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इसके बारे में। बेसिकली सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इशारा होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई भी हमें कह नहीं रहा होता, जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे येलो लाइट ऑन होती है तो हम क्या करते हैं, हम चल पड़ते हैं। अगर ग्रीन वाली हो तो हम रेडी टू रन होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारे सिग्नल हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के अलावा एम्बुलेंस है, उसका जैसे ही मोटर जो है जैसे ही बजता है तो हम क्या करते हैं, रास्ता देते हैं उसे। ऐसे बहुत सारे सिग्नल हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो अंपायर जैसे ही आउट देता है तो वो जस्ट फिंगर रेज करता है, तो जो प्लेयर होता है वो आउट ऑफ द ग्राउंड चला जाता है। इसके अलावा वाइट बॉल देता है तो वो एक जो है स्कोर जो है वो काउंट कर लेता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं। इन सिग्नल्स को एग्जांपल के तौर पे लेने का मकसद यहाँ पे हमारा ये है कि ये सारे के सारे प्री डिफाइन हैं, जो अंडरस्टैंडेबल हैं। तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारे जो सिग्नल हैं वो अंडरस्टैंडेबल हैं, उसे पता है कि कौन सा सिग्नल हो तो क्या उसे अंडरस्टैंड करना है। इसीलिए ये सिग्नल जो हैं कंप्यूटर की फॉर्म के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हमने समझा व्हाट इज़ सिग्नल, सिग्नल की डेफिनेशन देखनी है। अ सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट इलेक्ट्रिकल करंट दैट यूज्ड फॉर कैरिंग डाटा फ्रॉम वन सिस्टम और नेटवर्क टू अनदर। मतलब ये है कि सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने डाटा को कैरी करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। ये जो सिग्नल है ये इज़ द फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमेना, जो किसी भी फिनोमेना से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है फंक्शन के तौर पे वो यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ये जो सिग्नल्स हैं ना, टू टाइप के हैं, एक है एनालॉग सिग्नल और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। ये नीचे डायग्राम के अंदर गिवन है, ये एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल है। इनको वन बाय वन हम डिटेल से देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन की, डिजिटल सिग्नल की। इसे ट्रांसमिशन को हम सिग्नल का नाम भी दे सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल कैसे ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ होते हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स दैट आर वेरी डिस्क्रीटली विद टाइम बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, वन वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी नंबर जीरो एंड द अदर रिप्रेजेंटिंग द वन। मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो डिजिटल ट्रांसमिशन है ना, इसके अंदर ये बाइनरी फॉर्म के अंदर डाटा कैरी किया जाता है, या तो ज़ीरो फॉर्म के अंदर या वन की फॉर्म के अंदर। इसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर जो है जस्ट ज़ीरो वन की फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है, जो डाटा स्टोर करवा सकता है ज़ीरो वन की फॉर्म के अंदर ही करवा सकता है। इसलिए जो है डिजिटल के अंदर जो है ज़ीरो वन की फॉर्म के अंदर ही ट्रांसमिशन होगी। ये डायग्राम बनाई हुई है, ये वोल्टेज हैं जो हमने अभी बात की थी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है या वोल्टेज हो सकते हैं करंट के।
तो ये वोल्टेज है हमारे पास, ये सेंटर लाइन है। इस डायग्राम को समझें अच्छे से, ये सेंटर लाइन है। देखें ज़रा, अगर इस लाइन से ऊपर होगा सिग्नल तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है वन है, अगर इससे नीचे होगा तो ज़ीरो है यहाँ पे। तो ये सेंटर लाइन से जो भी नीचे होगा, सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये वाली जो लाइन है ये इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है। अगर इससे ऊपर है तो वन है, अगर इससे नीचे है तो माइनस है या ज़ीरो है यहाँ पे। ये इस तरह से जो है ट्रांसमिशन होती है, ये ऊपर है लाइन से तो वन, ये ऊपर है तो वन, ये ऊपर है तो वन, और जिधर नीचे होगा उसे हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ये टू टाइम वन आया तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कंटिन्यूसली वन वन कंसिडर करे या वन वन ही उसे दिया जाए। तो इसके अलावा ये एक और साथ मैंने टेबल बनाया हुआ है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो सिग्नल हमने बात की है वन और ज़ीरो की फॉर्म के अंदर, इसे हम, ये जो वन है इसे हम ट्रू कह सकते हैं, उसके बाद ये जो ज़ीरो है इसे हम एफ़ कह सकते हैं, मतलब फॉल कह सकते हैं, उसके बाद ये जो वन है इसको प्लस भी बोला जाता है, और ये जो ज़ीरो है इसे हम माइनस भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद वन जो है उसे यस बोला जाएगा भी बोला जा सकता है, और ज़ीरो को हम नो भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये वाली जो बिट है वोल्टेज की, ये वाली ऑन है, और दूसरे वाली जो नीचे ज़ीरो वाली है ये क्या है, ऑफ है। इसी तरह से इसको हम ट्रू भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको फॉल जो है ये भी कंसिडर किया जा सकता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो है सिग्नल है, तो ये जो है सिग्नल यहाँ पे ग्रीन सिग्नल शो करवा रहा है कि यहाँ पे बिट जो पल्स है वो है, यहाँ पे पल्स नहीं है, यहाँ पे मतलब के पल्स है किसी किस्म की, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है सिग्नल्स को। तो इसके अंदर जो है ना डिजिटल के अंदर, यहाँ पे हमने ये समझना है कि डाटा या तो है या फिर नहीं है, ये मज़ीद आसानी से समझ आ सकती है इससे आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं एनालॉग सिग्नल को। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं ना वो कंटिन्यूसली सिग्नल होते हैं, इन विच वन टाइम वायरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग अनदर टाइम बेस्ड वेरिएबल। मतलब ये है कि ये कंटिन्यूसली सिग्नल होते हैं, ये वेरी करता है कि क्वांटिटी कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी क्या होगा वो वेरी करेगा कि कितना यहाँ पर वैल्यू हमने कंसिडर करनी है। ये जो सिग्नल हैं वर्क करते हैं फिजिकल वैल्यूज एंड नेचुरल फिनोमेना सच एज अर्थक्विक। अब अर्थक्विक जलजला जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ना हो सकती, फ्रीक्वेंसी है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता हमें नहीं चल सकता। इसके अलावा भी स्पीड ऑफ वाइंड, इसके अलावा वेट है, लाइट है, लाइटिंग है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें इससे समझ सकते हैं। मसलन ये वेव फॉर्म के अंदर होते हैं, जैसे ये है, मज़ीद मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ये जो है ना इसका सपोज हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये एक वेव है यहाँ पे, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, 100 है यहाँ पे, ये देखें 100 है। तो ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, ये समझ लें कि ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा, एम्पलीट्यूड, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखें, ये 100 है इसकी वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर यहाँ से मैं आपको पूछूं ये वाला जो एरो शो हो रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे ऑफ कोर्स यहाँ पे 50 है तो ये वैल्यू बताएंगे, लेकिन एक्चुअल के अंदर यहाँ पे वैल्यू 50 नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि 49 हो या 52 हो। तो इसी तरह से सिंपल, जैसे आपसे कोई भी जो आपका फ्रेंड है वो टाइम पूछ लेता है, टाइम क्या हो गया, तो आप कहते हैं 8:30 हो गए हैं, 10:30 हो गए हैं, या 1 हो गया है, 2 हो गए हैं, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू वो वाली नहीं होती, 8:30 नहीं होते, या तो 28 मिनट हो सकते हैं या 32 मिनट्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पे एनालॉग जो सिग्नल है इसके अंदर कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये किसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे वॉल क्लॉक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी, तो ये इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसके अंदर हमें एनालॉग के अंदर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता चलता। इसके अलावा लाउड स्पीकर जो है, बुफर जो है, आपने चलते हुए देखे होंगे उसके ऊपर लाइन आ रही होती है इस तरह की, तो वो भी इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो भी एनालॉग यूज़ होती है। इसके अलावा जो है ECG जब रिपोर्ट किया जाता है, ECG होती है, रिपोर्ट की जाती है उसकी, तो उसके अंदर भी इस तरह की कुछ जो वेव्स होती हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिनके अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता।
तो ये एनालॉग सिग्नल हमें कंसीडर किया करेंगे इसको। उसके बाद करेक्टरिस्टिक की बात करें एनालॉग सिग्नल की और डिजिटल की, यहाँ पे एक और शॉर्ट सा मैं आपको बता दूँ बात, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिजिटल बेहतर है या एनालॉग बेहतर है। जो आज से 100 साल पहले चीज़ें एनालॉग पे थी वो आज भी एनालॉग के ही ऊपर हैं, जैसे हैंड फ्री है वो पहले भी एनालॉग थी आज भी एनालॉग है, इसके अलावा स्पीकर हैं वो पहले भी एनालॉग थे आज भी एनालॉग हैं, इसके अलावा जो हमारा हेडफोन है वो भी इसी की एग्जांपल है, इसके अलावा पहले पहले जो कंप्यूटर थे वो एनालॉग टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जाते थे, लेकिन आजकल जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया डिजिटल की फॉर्म के अंदर। और बाज़ अवकात ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है बेटर किसी चीज़ को करने के लिए, बाज़ अवकात क्या किया जाता है उसमें से कुछ फीचर्स जो होती हैं एनालॉग की इन्वॉल्व कर ली जाती हैं और कुछ डिजिटल की मिक्स करके एक जो है चीज़ बना ली जाती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं अपने अपने क्राइटेरिया के लिहाज से, अपने अपने बिहाफ पे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि फलाम बेटर है फलाम बेटर नहीं है, डिजिटल सही नहीं है एनालॉग से नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक दी हुई हैं एनालॉग सिग्नल की जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें दिस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर टाइम वायरिंग, उसके बाद है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज विच आर आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव। मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू है या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। इसके अलावा पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक जो है इसके अंदर, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है, एनालॉग सिग्नल वर्क करता है कंटिन्यूस डाटा के लिए, जैसे हमने एग्जांपल दी है वेव फॉर्म की के, जैसे वॉल क्लॉक है, इसके अलावा ECG की रिपोर्ट है, जैसे हैंड फ्री से डाटा गुजर के आ रहा है तो कंटिन्यूस होता है, वो ख़त्म नहीं हो रहा होता किसी भी जगह पे किसी भी लेवल के ऊपर। तो ये फर्दर मोर यहाँ पे लिखी हुई है, इसे बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। उसके बाद जो है हमने बात करनी है एडवांटेजेस एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, ये यहाँ पे राइट किए हुए हैं। डिजिटल डाटा जो है इजीली कंप्रेस्ड है और ये जो है इजीयर प्रोसेसिंग इसके थ्रू हम कर सकते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म कैन बी इनक्रप्टेड, इसे हम इनक्रप्ट कर सकते हैं, मतलब किसके और कर सकते हैं मजीद। बेस्ट सुटेड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, ये जो एनालॉग है ये बेस्ट है वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए। इसके अलावा भी कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं दोनों के, ये एनालॉग के हैं ये डिजिटल के हैं। जैसे केबल्स आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि इसके अंदर इंटरफेरेंस हो रही होती है, जैसे हम डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं तो दूसरे सिग्नल कुछ मुदाखलत कर रहे होते हैं इसके अंदर। उसके बाद सैम्पलिंग में काज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो है बाज़ अवकात प्रॉब्लम आती है कि डाटा जो है लॉस होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखें एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग डिमांड मिक्स सिग्नल हार्डवेयर, जब हमने एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन करनी होती तो वो डिमांड करते हैं यहाँ पे मिक्स हार्डवेयर्स की। इसके अलावा ये कुछ लिखे हुए हैं क्वालिटी इज इजी लॉस्ट, उसके बाद डाटा कैन बी क्रप्टेड, डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, इट रिक्वायर्स ग्रेटर बैंडविथ, और इसकी जो बैंडविथ है ग्रेटर है, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.